चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनकम टैक्स मुर्दाबाद, 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 इनकम टैक्स मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारे एयरपोर्ट खोल दो। लोगों का मैंडेट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, लोगों की परेशानियां कहीं पे नहीं जा रही है। अब लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आप मुझे बताएं कि इस टाइम पे अफसरशाही उस क्या चरम पे पहुंच चुकी है कि लोग जो आम जनता है वो कहाँ जाएगी, अपने नुमाइंदे के पास जाएगी। वो नुमाइंदा तब आएगा जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस का तो क्या बोलते हैं, इन्होंने नामो निशान मिटा दिया है। हमारी एक अजीम जम्मू कश्मीर की एक रियासत को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया, 370 हटाया गया। उसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जी इस टाइम पे न्याय यात्रा पे देख रहे हैं महाराष्ट्र में, बड़ी लोगों के बीच चल रहे हैं। अब इनके पास, अब इनकी जो बौखलाहट है वो मंजरे आम पे दिख रही है। जो जो एजेंसियाँ इनके पास है, उन एजेंसियों से ये क्या बोलते हैं लोगों को तंग कर रहे हैं, उन एजेंसियों से ये क्या बोलते हैं कभी बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं, कभी ईडी के द्वारा जी क्या बोलते हैं समन्स आ रहे हैं, कभी ईडी के द्वारा पूछताछ हो रही है। देखिए, हम सभी कोश इंसान हैं, हमारे को ना एजेंसीज कुछ कर पाएंगी ना हमें क्या बोलते हैं बाकी ये चीज़ें कुछ कर, और ये हमें सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको साफ अल्फाजों में ये बात बताना चाहूँगा कि कांग्रेस वो जमात है जो दबने वालों में से नहीं है। हम आज भी लोगों के बीच खड़े हैं, हम आगे भी लोगों के बीच खड़े रहेंगे, हर मुद्दा लेकर, खासकर बेरोजगारी, महंगाई, बाकी इश्यूज, हर चीज के साथ हम लोगों के साथ खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का गला ना घूंटा जाए। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि क्या बोलते हैं जो तानाशाही चल रही है इस टाइम जम्मू कश्मीर में, उस तानाशाही को ख़त्म किया जाए। और क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी जो एक आईन, हमारा जो एक राइट है क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट जो लोगों का है, उन्हें वापस दिया जाए। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से हमारे इलेक्शंस नहीं हो रहे, हमारे म्यूनसिपल इलेक्शंस नहीं हो रहे, हमारे कॉपरेटिव इलेक्शंस नहीं हो रहे, हमारे पंचायती इलेक्शंस नहीं हो रहे, क्या वजह है आप मुझे बताएं ना। अगर ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में ठीक है, तो वो इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप इलेक्शंस करवाएं ना, आप देखेंगे कि लोग आपको पीछे के दरवाजे से कैसे बाहर फेंकते हैं। हम इस चीज़ का आश्वासन आपको देंगे कि क्या बोलते हैं लोग आपकी नीतियां जान चुके हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा साफ अल्फाजों में कि डेमोक्रेसी का जो गला घोंटा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उस चीज़ के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। लोगों का हक है, क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का हक है, उनके लिए हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। और जो हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं लोगों को अपना हक दिया जाए, लोगों को अपना लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में वापस दिया जाए। शुक्रिया। बहाल करो, बहाल करो लोकतंत्र को, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो लोकतंत्र को, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो इनकम टैक्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद इनकम टैक्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद इनकम टैक्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।